भारत में बांस का उपयोग कई सदियों से चलता आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में बांस रोपण तथा बांस में पुष्पण के बाद कैसे इसका प्रबंधन करें, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। बांस उत्पादन की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। प्राचीन काल से ही बांस का उपयोग गृह निर्माण, भोजन, कागज, हस्तशिल्प, तथा महलों के निर्माण में किया जाता रहा है। वन उत्पादकता संस्थान रांची झारखंड में स्थित उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र वानिकी अनुसंधान संस्थान है, जिसका मुख्यालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है। ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त परिषद है। बांस, जिसे कि हम गरीबों की लकड़ी या ग्रीन गोल्ड या हरा सोना भी कहते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक के काम आने वाली प्रजाति है। यद्यपि ये हमारे समाज में बहुत ही पुराने समय से उपयोग में है, परंतु वर्तमान में 2017 के बाद से, जब से इसको वृक्ष प्रजाति से घास की प्रजाति में लाया गया है, उससे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका दोहन भी अब आसान हो गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज में इसकी उपयोगिताओं को और बढ़ाया जाए, लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका का सृजन हो सके, इस दिशा में कार्य करते हुए संस्थान द्वारा बांस उत्पादन की तकनीक, उसका दोहन और उसके पुष्पण से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनके बारे में आवश्यक जानकारी इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा जनमानस को दी जा रही है। बांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकियों के प्रवर्धन से बीज, प्रशाखा, शाखा, कलम, नाल कलम और प्रकंद द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टिश्यू कल्चर तकनीक से भी अधिक पौधे तैयार किए जाते हैं, परंतु बीज द्वारा तैयार बांस के पौधे वर्षों तक जीवित रहते हैं। बांस की प्रजाति, मिट्टी की गुणवत्ता तथा प्रति इकाई उत्पादन को ध्यान में रखकर बांस रोपण करना लाभदायी होता है। रोपण में राष्ट्रीय बांस मिशन के दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाता है। सघन बांस रोपण एवं मेड़ों पर बांस रोपण के लिए अलग अलग मॉडल तैयार किया जाता है। सामान्यतः सघन एवं व्यावसायिक बांस रोपण हेतु पौधे से पौधे की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी 6 मीटर × 6 मीटर अथवा 5 मीटर × 5 मीटर सबसे उपयुक्त पाया गया है। बीज द्वारा पौध तैयार करने के लिए बीज की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अन्य वृक्ष घास प्रजाति की तरह प्रत्येक वर्ष फूल फल नहीं आते हैं। इस कारण से इसका महत्व बढ़ जाता है और बीज हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता है। भारत में पाए जाने वाले बांस प्रजातियों में पुष्पण चक्र अलग अलग अंतराल में आता है। सभी जो वृक्ष प्रजाति या वनस्पति प्रजाति है, इसमें दो तरह की फ्लावरिंग आमतौर से पाई जाती है। एक को कहते हैं पॉलीकार्पिक फ्लावरिंग और दूसरे को कहते हैं मोनोकार्पिक फ्लावरिंग। पॉलीकार्पिक मीन्स एक पौध प्रजाति अपने जीवन काल में लगभग सभी वर्ष फूल देता है, ऐसे प्रजातियों को पॉलीकार्पिक कहा जाता है। पॉली मीन्स बहुत, लगभग हर साल इस तरह के पौधे जो है फ्लावर करते हैं। एक दूसरी किस्म होती है फ्लावरिंग की, वो मोनोकार्पिक कहलाती है। मोनो मीन्स एक बार, और इस मोनोकार्पिक फ्लावरिंग में बैम्बू मुख्यतः आते हैं, क्योंकि मोनोकार्पिक मीन्स अपने पूरे लाइफ स्पान में पौधा एक बार फ्लावर दे करके पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। झारखंड की जो धरा है या धरती है, ये मैं कहूँ इस बार 2022 में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे रिपोर्ट किया हम लोगों ने बैम्बू फ्लावरिंग का। अनेक प्रजाति जो है बैम्बू की, चाहे वो डेंड्रोक्लोमस स्ट्रिक्टस हो जिसको हम लाठी बांस कहते हैं, या बैम्बूसा न्यूटान हो या बैम्बूसा टुल्ला, इस तरह की अनेक प्रजाति है जिसका फ्लावरिंग इस बार संस्थान ने रिपोर्ट किया है अलग अलग जगह से। और ये फ्लावरिंग जो है
इसका आना बड़ा ही, जैसे मैंने बताया, बड़ा ही एक टिपिकल कैरेक्टर होता है। और इसमें बैम्बू फ्लावरिंग जो एक बार कर गया तो उसके बाद उस वो बैम्बू का रीग्रोथ नहीं होता है, और बैम्बू का जो सीड आता है इससे हमको कैसे पौध तैयार कर सकें, कैसे प्लांटिंग स्टॉक हम लोग डेवलप कर सकें, इसके लिए भरपूर तैयारी हम लोग को कर लेनी चाहिए। और इसमें जो मैंने बताया कि बैम्बू फ्लावरिंग एक बार होता है पूरे लाइफ स्पान में, ये अलग अलग प्रजाति के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि बैम्बूसा बेल्कुआ जो एक प्रजाति होती है लगभग 120 साल के बाद एक बार फ्लावर करता है। इस तरह से डेंड्रोकलम स्ट्रिक्टस जो है करीब 30 से 40-50 साल बाद फ्लावरिंग होती है। और कुछ कुछ बांसी ऐसी प्रजाति हैं जैसे कि बैम्बूसा वल्गरिस, इससे अब तक फ्लावरिंग रिपोर्ट ही नहीं है। तो ये अलग अलग प्रजाति के हिसाब से बैम्बू फ्लावरिंग जो है ये वेरी करता है। और कुछ प्रजाति जो नॉर्थ ईस्ट में होता है ये लगभग हर साल फ्लावर करती है, लेकिन ये कभी मरती नहीं। इस तरह के जो कल्म है या इस तरह के जो क्लम्प है वो कभी ख़त्म नहीं होते, डेड नहीं होते। ये भी बड़ा टिपिकल सा कैरेक्टर है बैम्बू का। तो इस तरह से बैम्बू का जो फ्लावरिंग है ये बड़ा संयोग से बड़ा अच्छा माना जाता है हम लोगों ने, क्योंकि हमको 0 ईयर का प्लांट बैम्बू फ्लावरिंग के बाद हमको मिल जाता है। 0 ईयर मीन्स जो पौधा हमने बांस के सीड से तैयार किया उसको 0 ईयर काउंट हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप आज जो बैम्बू का पौधा उगा रहे हैं वो कम से कम जितने स्पान के लिए बैम्बू फ्लावर करता है 40, 50, 100, 120 साल, उतने साल तक बैम्बू का फ्लावर उसमें उस पर्टिकुलर जीनोटाइप में नहीं होगा, ये एश्योर रहना पड़ेगा हमको, ये एश्योर रहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी प्लांटिंग स्टॉक हमको डेवलप करना है ये बड़ा अनुकूल टाइम होता है, क्योंकि हम बैम्बू तैयार करते हैं कटिंग से भी तैयार करते हैं, चाहे तो आपका बायनोडल हो कटिंग या सिंगल नोडल कटिंग हो, अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की तकनीक है जिसके माध्यम से हम बांस तैयार करते हैं। लेकिन फ्लावरिंग का विशेष लाभ ये होता है कि आप पूरे लाइफ स्पान में कोई 120 या 50 या 80 साल जैसे मैंने बताया इसमें फ्लावर नहीं करेगा, लेकिन ये कटिंग से जब तैयार करते हैं पौधे इसमें ये होता है कि फिजियोलॉजिकल एज जो है पौधे का वो उसके साथ काउंट हो जाता है। फर्ज कीजिए कि आपने आज बैम्बू का एक कटिंग से तैयार किया पौधा और वह अगले साल फ्लावर कर गया, तो इस तरह से आपका पूरा एक्सरसाइज जो है फ्यूटाइल हो जाएगा। तो इस तरह से बैम्बू का फ्लावरिंग जो कि इससे तैयार पौधा होता है 0 ईयर्स का होता है, इसलिए इसका स्टॉक प्लांट प्रिपरेशन के लिए हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। बैम्बू जो फ्लावर होता है ये दो तरह का होता है, स्पोरेडिक और ग्रेगेरियस फ्लावरिंग। स्पोरेडिक मीन्स कहीं कहीं छुटपुट जो बांस के जो फ्लावरिंग की रिपोर्ट होती है या फिर घटना होती है इसको हम स्पोरेडिक फ्लावरिंग करती है। इसके उल्टे जो ग्रेगेरियस फ्लावरिंग होती है इसमें पूरे पूरा का पूरा जो बैम्बू का बखार है या जिसको कहते हैं बैम्बू का क्लम्प, पूरे झुंड के झुंड जो है वो फ्लावर कर जाता है। इस तरह दो कैरेक्टर होता है इसमें, ग्रेगेरियस फ्लावरिंग और स्पोरेडिक फ्लावरिंग। बीज संग्रहण के बाद यथा शीघ्र बीजों को अंकुरित किया जाना चाहिए, इसके लिए पौधशाला में बेड तथा खाद युक्त मिट्टी की तैयारी कर लेनी चाहिए। बीजों के बेड में रोपित करने के 8-10 दिवस के अंदर अंकुरण आ जाता है, जिसको 25 से 30 दिनों के अंदर पृथक रूप से पॉलीबैग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस तरह एक न्यूनतम तैयारी के साथ बांस पुष्पण के विलक्षण अवसर का उपयोग बृहद रूप से पौधे तैयार करने में किया जा सकता है।